हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडीज ड्रेस के ऊपर में कि कौन सा ड्रेस बनवाने में हमें कितना मीटर देना पड़ता है कस्टमर को कि उनका जो है डिमांड वो पूरा हो जाए। तो इस वीडियो में हम जो जितने कपड़े कट करके देने के लिए हम बोलेंगे तो ये एक नॉर्मल लेडीज़ के लिए होगी। अगर कोई ज़्यादा मोटी है या पतली है तो ये इसके ऊपर ऊपर नीचे थोड़ा सा 10-5 सेंटीमीटर कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल लेडीज़ को कितना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोस्टली जो कॉटन का जो साड़ी होता है उसमें सादा ब्लाउज लगाती है महिलाएँ। तो सादा ब्लाउज हमें रूबिया कपड़ा में आता है, जो जिसका चौड़ाई 36 इंच होता है। तो 36 इंच चौड़ाई में अगर हम किसी लेडीज़ को हाफ़ बाजू यानी कि इतना हाफ स्लीव का अगर हम देना चाहें, अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे हाफ़ ब्लाउज का एक पीस दे दीजिए, तो आपको रूबिया कपड़ा में देना है। और रूबिया कपड़ा में आपको 80 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम देना है। 80 सेंटीमीटर में रूबिया का ब्लाउज जो है वो हाफ़ बाजू का आराम से इजी तरीके से हो जाता है। फिर आता है 3/4 या क्वार्टर, यहाँ तक जो चूड़ी का भाग इतना होता है, चूड़ी का भाग छोड़ के यहाँ तक केवनी से 2-3 इंच नीचे तक का होता है। तो केवनी से 2-3 इंच नीचे देने के लिए आपको 1 मीटर देना होगा। ये नॉर्मल लेडीज़ के लिए है। 1 मीटर अगर देते हैं तो 1 मीटर में क्वार्टर का जो साइज़ है वो बन जाएगा। अगर पूरा बाजू चाहिए, यहाँ तक का अगर बाजू का चाहिए तो यहाँ तक बाजू सिलवाने के लिए उन्हें 1 मीटर 10 सेंटी या 20 सेंटी या 25 सेंटी, ये एवरेज रहता है। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली 1 मीटर 20 सेंटी आप दे दीजिएगा, क्योंकि कोई टेलर वाला अगर चाहे तो 1 मीटर 10 सेंटी में भी पूरा कर देता है। लेकिन 1 मीटर 20 सेंटी दीजिएगा ताकि आपको आगे कंप्लेन ना आए कि मेरा कपड़ा छोटा पड़ गया है, कपड़ा कम पड़ गया। आता है आपका पेटीकोट, जो साड़ी के अंदर लगाते हैं पेटीकोट। तो पेटीकोट मोस्टली हमारा पोपलिन का बनता है। पोपलिन का पेटीकोट बनवाने के लिए 2 मीटर का साइज आता है। 2 मीटर आपको उनको देना है। अगर पेटीकोट का साइज़ मांगता है 2 मीटर देना है, और 2 से कम मीटर दीजिएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। गोलाई जो है वो गोलाई पेटीकोट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। गोलाई अगर आपका सही रहेगा तो उन लोगों को, लेडीज़ को जो है कि चलने में दिक्कत नहीं होगा। अगर गोलाई कम है तो फिर चलने में पैर जो है वो पूरा तरीके से नहीं आगे बढ़ा पाती है, तो ये गोलाई कम हो जाता है। तो ये काम मत कीजिएगा, 2 मीटर दीजिएगा। अगर थोड़ा मोटी है तो उसको 2 मीटर 25 सेंटी या कुछ भी 5-10 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिएगा, तब जा करके उनका एक अच्छे साइज़ का पेटीकोट बन जाएगा। ठीक है, अब हो गया ब्लाउज और पेटीकोट, दो टॉपिक हो गया। और उसके बाद में आ जाता है कुर्ता और सलवार। कुर्ता और सलवार में क्या होता है कि आपको ये सभी जो प्रिंट, फ्लावर प्रिंट पीछे हमारे देख रहे हैं, तो ये कुर्ता के लिए मोस्टली यूज होता है। तो कुर्ता में भी आपका नॉर्मल साइज़ जो होता है 36-37 इंच लंबाई हो गया, और मोटाई तो आप नॉर्मल देख ही सकते हैं नॉर्मल कितना है। तो 36 इंची 37 इंची का लेंथ अगर चाहिए किसी को कुर्ता में, और पूरा फुल बाजू यानी कि फुल स्लीव का अगर कुर्ता चाहिए, तो उन लोगों को 2 मीटर देना होगा। ये पीछे हमारे जो प्रिंट देख रहे हैं, ये प्रिंट 44 इंच के चौड़ाई के साथ में आता है। तो 44 इंच चौड़ाई के साथ वाले प्रिंट को आपको 2 मीटर देना है फुल बाजू के लिए। 1.5 मीटर देना है आपको हाफ़ बाजू के लिए। तो ये 2 मीटर आप दे दीजिएगा तो एक कुर्ता उसका बन जाएगा। फिर नीचे सलवार का बात आ जाता है। तो सलवार मोस्टली सादा कपड़ा का होता है, सूती का हो जाए या क्रेप का हो जाए, कोई भी कपड़ा का सलवार लेना चाहते हैं तो सलवार में 2-3 डिज़ाइन जो है वो कॉमन डिज़ाइन होता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, लेकिन कॉमन डिज़ाइन क्या है, चूड़ीदार डिज़ाइन है और पंजाबी डिज़ाइन है और पटियाला, ये 3 डिज़ाइन है, बहुत कॉमन चलता है, ज़्यादातर लोग यही डिज़ाइन पसंद करते हैं। तो चूड़ीदार में आपको 2 मीटर देना है, वो कपड़ा भी 44 इंच साइज़ में ही आता है। चूड़ीदार आपको 2 मीटर दे देना है, पंजाबी में भी 2 मीटर दे देना है। पंजाबी में सिर्फ आगे की ओर प्लेट जो है वो बैठा रहता है, और पटियाला के लिए आपको 2.5 मीटर देना है। पटियाला में क्या होता है, आगे और पीछे दोनों प्लेट बैठाना हो रहता है, माने कि चुन देखते हैं ना, चुन बोलते हैं उसको हम लोग देहाती भाषा में, नेपाली भाषा में उसको मुजा बोलते हैं ऐसे। तो सलवार का ये 3 डिज़ाइन ही, ये 3 डिज़ाइन आपको स्टार्टिंग में यही 3 डिज़ाइन जानना है। और फिर आ जाता है बात नाइट वियर चीज़ का। नाइट वियर में अब क्या होता है कि मैक्सी वगैरह होता है, लेडीज़ पहनती हैं मैक्सी, तो मैक्सी में आपको 2.5 मीटर का साइज़ दे देना है। यही प्रिंट वाला जो कपड़ा देख रहे हैं, इसमें छोटा छोटा प्रिंट मैक्सी के लिए आते हैं, वो अलग से आप चाहें तो ले सकते हैं, या यही वाला अगर आइटम अगर मैक्सी में ही बेचना चाहते हैं तो वो भी बिक जाता है। तो 2.5 मीटर मैक्सी का साइज़ हो जाता है। फिर आता है अब लहंगा चोली की बात आता है।
स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि चोली के लिए हमें 1 मीटर का साइज़ देना है, तो 1 मीटर कपड़ा चोली का और नीचे लहंगा, लहंगा डिपेंड करता है ये घेरा के ऊपर, कितना बड़ा घेरा बनाना है यानी कि कितना बड़ा राउंड चाहिए आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली 4 मीटर का लहंगा बनता है, 4 मीटर लहंगा, ये 44 इंच साइज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, 44 से 45 इंच का साइज़ जो है, चाहे तो हेलमेट में भी महिलाएं बनाती है या नेट का जो कोई पार्टी वेयर टाइप का होता है तो उसमें आपको 4 मीटर 44 इंच साइज़ में 4 मीटर लहंगा के लिए और 1 मीटर चोली के लिए, टोटल 5 मीटर हो गया। और इससे भी रिलेट करता है शॉल यानी कि दुपट्टा, दुपट्टा जो हेवी नेट होते हैं उसके कलर मैचिंग के अनुसार से थोड़ा कम डिजाइन वाला, सादा भी चलता है लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे अगर डिजाइन है तो डिजाइन आप दे सकते हैं, वैसे डिजाइन दुपट्टा के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो दुपट्टा आपको ऐसे 2 मीटर या 2 मीटर 25 सेंटी दे सकते हैं। तो ये लहंगा चोली दुपट्टा है, टोटल अगर एक ही कपड़ा में बनवाना चाहें तो टोटल आपको 7 मीटर देने पड़ेंगे, ठीक है। और बात आ जाता है लहंगा के अस्तर, लहंगा का अस्तर जो है वो कई ऐसे क्या होता है कि जाली वाला जो नेट के कपड़े आते हैं, नेट के कपड़े में अस्तर डालना पड़ता है। तो अस्तर डालने के लिए जैसे कि आप 5 मीटर लहंगा का कपड़ा दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 4.5 मीटर अस्तर देना ही है, क्योंकि आधा मीटर सिर्फ गायब होगा आपका ये बाजू में, बाजू में महिलाएं पार्टी वेयर ड्रेस में बाजू में अस्तर डालना पसंद नहीं करती है, सिर्फ बॉडी में अस्तर जाएगा और नीचे लहंगा में अस्तर जाएगा। तो इसके लिए आपको अगर 5 मीटर दे रहे हैं बाहर का कपड़ा तो अंदर का कपड़ा 4.5 मीटर आपको देना है, भले ही वो चाहे सिल्क का हो या आपका वो क्रेप का हो, ये दोनों में से कोई एक अस्तर डलता है। और सिल्क का बात हो गया तो सिल्क का पेटीकोट भी अगर बनवाना चाहे कोई तो सिल्क का पेटीकोट का साइज़ जो है वो उसका चौड़ाई जो है 44 इंच आता है, तो 44 इंच के चौड़ाई में 1 मीटर 75 सेंटी 1 मीटर 80 सेंटी अगर दीजिएगा पेटीकोट के लिए तो ये एनफ हो जाएगा। अगला ड्रेस का बात करें हम तो अगला ड्रेस आ जाता है हमारा चोली, जो कि डोरी के सहारे महिलाएं, नेपाल की जो ज़्यादा एजेड वाली जो महिलाएं हैं वो पहनना पसंद करती है चोली। तो चोली आपको इस तरह से बांधने वाला सेम ब्लाउज का ही लुक रहता है, ब्लाउज में आगे आपको ऐसे बटन्स देखने को मिलेंगे, खीप देखने को मिलेंगे आगे या पीछे, ये सिलाने के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ब्लाउज के ही लुक में आएगा लेकिन वो उसको बांधने वाला इधर दो जगहों पे बांधा जाता है तो उसका कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 0.5 मीटर आपको एक्स्ट्रा देना होता है। मान के चलिए अगर कोई ढाका का जो नेपाल में जो ढाका बनता है तो ढाका का ज़्यादातर लोग चोली बनाती हैं, तो ढाका के चोली में आपको एक दुबली पतली जो मतलब दादी अम्मा के समय के जो महिलाएं होती है थोड़ा दुबली पतली होती है तो उनको आपको 1 मीटर 25 सेंटीमीटर देना यानी कि 1.25 मीटर। फिर थोड़ा हेल्दी अगर महिलाएं हैं तो उनको 1.5 मीटर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको जाना है, लेकिन नॉर्मली आपको 1 मीटर 25 सेंटी देना ही है, उससे कम दीजिएगा हो सकता है कपड़ा घट जाए, कपड़ा नहीं क्योंकि अगली बार जो कस्टमर आए आपसे लड़े झगड़े कि भाई कैसा कपड़ा दिया आपने, ये मेरा मतलब निकम्मा निकल गया, काम लगा ही नहीं, तो इन सभी चीज़ों से आप बच जाइएगा। तो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मली यही सब चीज़ जानना होता है लेडीज़ के बारे में, फिर हम जेंट्स के टॉपिक के ऊपर आएंगे तो अगला वीडियो जो है वो जेंट्स के टॉपिक का हम बनाएंगे कि जेंट्स के ड्रेस सिलाने में कौन से ड्रेस सिलाने में कितना कपड़ा चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कि आप कोई अपने पसंद का ड्रेस सिलवाना चाहते हैं या आपने कस्टमर के कोई डिमांड है कि मुझे इस तरीके का ड्रेस चाहिए तो कितना कपड़ा लगेगा ये नीचे कमेंट करके ज़रूर से हमसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तो ठीक है आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।